कल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करेंगे। हरेला पर्व पर शुभकामनाएं देंगे। हरेले की पत्ती और हरेले का रायता लेकर जिस तरीके से वो पहुंचेंगे, वो भेंट करने वाले हैं मुख्यमंत्री से। ये सियासत से अलग एक तस्वीर देखने को मिलेगी। इससे पहले हरीश रावत ने पूजा अर्चना की। हरीश रावत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने जुदा अंदाज के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। और हरेला पर्व के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी। लेकिन वहीं इन सब से अलग हरेला पर्व के मौके पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कल वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर मौजूदा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरेला के मौके पर जो पत्तियों को आप देख रहे हैं वो भेंट करेंगे। हरदा कहना है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरेले की बधाई देने के लिए उनसे मिलने जाएंगे और मुलाकात कर हरेले की बधाई देंगे। हरीश रावत का ये भी कहना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री और हरेले पर मुख्यमंत्री को बधाई देना सबका फर्ज है। इस दौरान हरेला की पत्ती और हरेले का रायता मुख्यमंत्री को भेंट देंगे। एक बात जरूर है, मैं हरेले के मौके पर कल जो है मुख्यमंत्री जी के पास हरेले की जो है वो देते हरेले का रायता जरूर है, रायता और हरेले की पत्ती, क्योंकि शुभकामना मुख्यमंत्री को शुभकामना देना हम सबका फर्ज है। अजीत कांबोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अजीत, हरेले पर्व की धूम है पूरे प्रदेश भर में और सियासत से इतर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और हरेला भेंट करेंगे। आज की बात की जाए तो आज उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है और कई बड़े कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में आयोजित किए गए हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी आज मंदिर में पूजा अर्चना की है और बड़ी बात यह है कि कल वर्तमान मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। और मुख्यमंत्री जो हरेले का रायता और हरेले की पत्ती जो यहाँ पर शुभकामनाएं देने के साथ, और जब से पूर्व मुख्यमंत्री का बयान आया है उसके बाद से ही यहाँ राजनीतिक सरगर्मी है। चले अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।